अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme C30 के बारे में। और आज की इस वीडियो में जिस डिवाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको दो कलर देखने को मिलेंगे। अगर देखा जाए स्मार्टफोन की जो लुक दी गई वो काफी कमाल की और अलग ही दी गई है। और देखा जाए इससे पहले हमें इस तरह की लुक बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली, डिजाइन भी इस तरह का हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर कलर देखने को मिले होंगे, लेकिन इस तरह का जो डिजाइन दिया गया वो एक अलग ही दिया गया, जो कि लाइनर के साथ आ रहा होता है। और स्मार्टफोन में जो दो कलर दिए गए वो आपको देखने को मिल जाते हैं, लेक ब्लू देखने को मिलता है और बम्बो ग्रीन देखने को मिलता है। ये दो कलर है जो कि काफी कमाल के और डिजाइन के अंदर, लुक के अंदर काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। और इस तरह के डिजाइन के अंदर, इस तरह के लुक के अंदर आपको ये दो कलर काफी हैवी देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों, खैर स्मार्टफोन की डिजाइनिंग लुक तो हमें काफी अच्छी देखने को मिली चुकी है। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है कि स्मार्टफोन की जो लेंथ है वो काफी बड़ी देखने को मिलेगी। और देखा जाए दोस्तों स्मार्टफोन की जो आपको मोटाई काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और एक और चीज भी है कि स्मार्टफोन को आपको एक अलग ही देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों बैक साइड जो कैमरे का डिजाइन होगा वो सिंगल ही होगा। और देखा जाए तो सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, एक एलईडी फ्लैश लाइट साथ में दी जाती है और यही कुछ अटैच किया गया है। लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर कितनी प्राइस होगी और हमें ये स्मार्टफोन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कब देखने को मिलेगा और कितनी प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा, वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा दोस्तों। इस डिवाइस के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर होंगे और आज की इस वीडियो देखने के बाद यकीन दोस्तों आप डिसाइड कर पाओगे कि स्मार्टफोन की तरफ हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसमें सबसे जो हाइलाइटिंग फीचर वो इसकी बैटरी पर डिपेंड कर रहा है कि स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरी है वो कितनी दे गई। अब दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको सबसे पहले अगर डिस्प्ले साइज की बात की जाए तो स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.58 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। और एक मुझे चीज इसमें देखने को मिली रियलमी C30 में, जो कि आपको देखा ही होगा कि इस प्राइस के अंदर जो हमें देखने को मिलती है वो फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ नहीं देखने को मिलती। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो दूसरी डिवाइसेस होती है इस प्राइस के अंदर वो एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ दी जाती है, लेकिन इसके अंदर आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। बात आ जाए दोस्तों स्मार्टफोन के पैनल की, तो IPS LCD का पैनल होगा, लेकिन रिफ्रेश रेट एस्पेक्ट नहीं है कि कौन सा देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही एस्पेक्ट होगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊंगा। बाकी दोस्तों दूसरी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। अब देखा जाए तो जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है वो सारी एस्पेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन इसके अंदर बस सिर्फ हमें चिपसेट है जो हमें एस्पेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसका जो नाम है वो एस्पेक्ट हो चुका है, जो कि यूनी SoC का देखने को मिलेगा और एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। जो चिपसेट है वो हमें यूनी SoC का देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ये एस्पेक्ट नहीं है कि कौन सा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये दो चीजें आपको एस्पेक्ट नहीं देखने को मिली, बाकी मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता दूंगा जिस तरह भी दो या एक दो दिन के अंदर जो है वो एस्पेक्ट हो ही जाएंगी। और यहां पर बात करेंगे आप स्मार्टफोन के वेरिएंट की, दो वेरिएंट है जो कि 2GB के साथ 32GB होगी, 3 के साथ 32GB मेमोरी होगी और साथ में माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों रैम काफी कम देखने को मिली है, लाइक यहां पर अगर 4GB रैम होती तो काफी बेहतर रहता, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस रखी गई वो 20,000 से 25,000 के अराउंड होने वाली। और इंडिया के अंदर देखा जाए दोस्तों आपको 10,000 से नीचे ये डिवाइस देखने को मिलेगी और इसी के अराउंड आपको ये इंडिया की मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। और हाँ, इंडिया की मार्केट के अंदर एस्पेक्ट हो चुका है कि स्मार्टफोन को जून के मंथ के अंदर इंडिया की मार्केट के अंदर जरूर लॉन्च किया जाएगा और यह बिल्कुल एस्पेक्टेड है कि जून के अंदर ही स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगले मंथ के अंदर लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यहां पर देखा जाए तो अभी एस्पेक्ट ये नहीं हुआ कि इंडिया के अंदर इसी मंथ के अंदर लॉन्च तो होगा, लेकिन कौन सी डेट का होगा शायद हमें लास्ट पर देखने को मिले, तो पाकिस्तान में आपको इसके बाद ही देखने को मिलेगा, लाइक अगले मंथ के अंदर जा सकता है। बाकी दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कैमरे वाइज की तो बात करते हैं, तो बैक साइड पर मेन सेंसर जो है वो मेन सेंसर ही देखने को मिलता है, सिंगल ही देखने को मिलता है, जो कि 13 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी है, मतलब यहां पर 5 मेगापिक्सल के अंदर जो सेल्फी हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन 13 मेगापिक्सल का जो बैक पर मेन सेंसर वो आपको एक अच्छी ही क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो स्मार्टफोन का कैमरा काफी हद तक नॉर्मल रखा गया है। अब यहां पर दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन की बैटरी की, जी हां, अभी दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। देखा जाए दोस्तों इसमें सबसे हाइलाइटिंग फीचर यही है और यहां पर देखा जाए तो बैटरी काफी बड़ी दी गई है, देखा जाए तो आपका एक दिन तो इजिली गुजर जाएगा। लेकिन यहां पर कमी सिर्फ देखने को मिली कि हमें चार्जर काफी कम देखने को मिला, जो कि हमें 10 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। अब यहां पर यह चीज एस्पेक्ट है कि स्मार्टफोन के अंदर अगर हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती तो चार्जर हमारा काफी इंप्रूव हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन Realme C30 के अंदर देखा जाए इतनी प्राइस के अंदर अगर ये डिवाइस आपको देखने को मिले, ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन के अंदर काफी बड़े फीचर्स भी देखने को मिले, लेकिन स्मार्टफोन का डिजाइन, इसकी लुक जो है वो नॉर्मली रखी गई है और साथ ही साथ स्पेसिफिकेशंस भी नॉर्मली रखी गई है और प्राइस भी आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी, इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। और यही है कि
ये डिवाइस आपको काफी हद तक बेहतर देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों ओवरऑल स्मार्टफोन का कंपैरिजन भी बहुत जल्दी आने वाला है और इस कंपैरिजन का इंतजार जरूर करना, उसमें आपको पता चलेगा कि इस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बाकी दोस्तों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस डिवाइस के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आप स्मार्टफोन के अंदर चीजें देख रहे हो जिसकी वजह से आप बाय करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना। चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।